जो भक्ति माता तरणी हुई है वो कहीं और नहीं हो सकी, क्योंकि तो भगवान ने फेंकते फेंकते जो प्रेम था वो केवल वृंदावन में रस फेंक दिया। मेरो मन राम ही राम रटे रे। कथा सुनना मतलब ऐसा नहीं कि कोई बैठ करके, कथा मीन्स आपके जीवन की व्यथा दूर हो वो कथा। कथा ये नहीं कि आप बैठ के, हम तो जी कथा में गए थे और वहां पे बराबर इधर उधर हो चुको जी यार, जिसको पूछो कोई कथा में कोई कौन लगे भाई तो फरा होगी, चाय को नहीं मिली हाल तक, कितनी देर कब संत महात्मा खत्म करेगा। मतलब लोगों को ऐसा हो जाता है कि जल्दी कब कथा हो, वो अमृत नहीं है। अमृत पीने वाले के लिए तो समय की कोई पाबंदी है ही नहीं। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटेरे। नाम जपन में, राम भजन में कुछ और चीज की आवश्यकता नहीं। ये दो अमृत मैंने निशुल्क दिए हैं बेटा, मुझे कल रात को ही कह दिया गया था, भाई जी जरा प्रहलाद जी की स्तुति फास्ट ले लीजिएगा, बहुत आगे नंदोत्सव तक पहुंचना। मुझे क्या प्रहलाद जी की स्तुति बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए मैं थोड़े से हाँ और क्या, अब होएगा जब होएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। गलियां प्रेम चढ़ाऊं ये माया मैं तो, डंको नाम बजाऊं ये मा मैं तो, गलियां प्रेम चढ़ाऊं ये मा मैं तो, प्रेम को ढोल बजाऊं ये मा मैं तो, प्रेम को ढोल बजाऊं।
राम राम मेरे मन में बसियो, राधे श्याम मेरे मन में बसियो, राधे श्याम मेरे मन में बसियो, रस रसियो रे जाऊं माया में तो, रस रसियो रे जाऊं हे मन में ये भाव आता है कि मैं केवल प्रेम की कली। दो अमृत भगवान ने निशुल्क दिए हैं, पर इस अमृत को पीने वाले बहुत शुल्कवान नहीं नजर आते। ये दो अमृत कोई पी ले तो भगवान कहते हैं प्रह्लाद से कि प्रह्लाद फिर तेरे को संसार का चक्र हैरान नहीं करेगा। बोले फिर भी हम चूक जाते हैं, क्या करें प्रभु, आपने अमृत दिए वो तो ठीक है, किंतु भगवान के कथा का जो कीर्तन है वहाँ कोई प्राणी स्थिर नहीं रह सकता और मन नहीं लगता वहाँ पर। तो बोले जब कथा में मन नहीं लगे तो कीर्तन उसको पूरा कर देता है, कीर्तन के बिना कथा अधूरी है, इसलिए कृष्ण कीर्तन में आनंद लेना चाहिए। और कीर्तन अभी अभी शुरू किया, आगे मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि अमृतों का सहारा नहीं लेता। क्या प्रह्लाद जी का मन इतना अशुद्ध था कि अमृतों का सहारा नहीं ले रहा था? नहीं, वे हमारे मन की कह रहे हैं। प्रह्लाद जी हम जीव मात्र के मन की कथा कह रहे हैं, वो कोई दूसरे की कथा नहीं कह रहे हैं। वो खुद तो इतने थे कि उन्होंने स्तंभ से प्रकट कर दिया। क्या हम सोच रहे हैं प्रह्लाद जी हमारे लिए कथा कह रहे हैं? हाँ, उल्टा और कहा, क्या कहा? बोले मैं जिस पर कृपा करता हूं तो उसकी संपत्ति हर लेता हूं। देखो भैया, इसके लिए तो कोई कथा में नहीं आएगा, संपत्ति हर जाए वहां क्या भगवान का नाम ले। और भगवत कृपा का फल धन नहीं है, मैं मन की शुद्धि हा? जो भागवत है वो तो बोलनी पड़ती है ना। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो। अगर समझो मन न लगे तो बोले क्या करें? तो बोले कि करने का तो बहुत मन करता, आपको कोई सत्संगी मिले, कोई संत मिले, उनका संग पकड़ लो, उनके संग से आपको प्रेरणा मिलेगी। बोले पर कई लोग क्या जहां होते हैं ना वहीं ठीक समझते हैं अपने आप को। वो सोचते हैं हमारे जैसा तो कोई नहीं, हमारे को जो मिला हुआ है वही अच्छा है। कई लोगों को ऊपर उठने की नहीं इच्छा करती है, कोई को ऊपर जाने की नहीं इच्छा करती है। अभी सुअर से कह दो तू आकाश देख तो कहां से देखेगा, उसको पूरा पलटा मारो तब वो देखेगा, उसकी गर्दन तो ऊपर जाती ही नहीं। तो हम लोग जहां होते हैं हमको अपना ही संसार पूर्ण लगता है, हमको लगता है इसके ऊपर तो कोई संसार है ही नहीं। एक मेंढक था, वो मेंढक के कुएं में रहता था, क्या करूं फिर आ जाती, वो कुएं में रहता था
तो थप 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 अपना कर रहा था। अब कुआं कितना इतना बड़ा, अब वो कुएं में रह के थप 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 कर रहा है। इतने में एक हंस वहां से गुजरा। हम लोग जैसे कुएं में मेंढक रहते हैं, वो हंस वहां से गुजरा। उसको लगा अरे इतने से सरोवर में इतना खुश होकर के हंस ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको बड़े बड़ी जगह देता हूँ, बड़े पानी की जगह ले जाता हूँ, इतने से सरोवर की उसको ले जाता। हमको सदगुरु ले जाना चाहते हैं, ये देखिए कथा। तो उसने कहा जा करके कहा मेंढक चल चल, तो मैं तेरे को इससे भी ज्यादा पानी देता हूँ, चल तो मेरे साथ चल। मेंढक ने कहा इससे ज्यादा पानी, इतना बड़ा तो कुआ है, मैं वहां तक सारे दिन नहीं पहुंच पाता हूँ और तुमको इससे ज्यादा पानी। अरे ये कुछ नहीं, इससे ऊपर बहुत पानी है। बोले कितना? तो उसने क्या किया मेंढक का, कितना तो मेंढक और उसके दो हाथ के, इतना? उसने दोनों हाथ फैलाया, इतना पानी? बोले अरे इतना नहीं बाबा, इससे बहुत ज्यादा ज्यादा पानी ले जाता हूँ। तो उसने दोनों पैर भी फैला दिए। एक मेंढक ने दोनों हाथ दोनों पैर फैला करके कहा इतना पानी? अब वो कैसे समझाए, उसको कभी देखा नहीं। बोले कितना पानी? बोले ये नहीं, तुम चलो तो तुम्हें दूसरा पानी मिलता। कोरी गप है, हमारे इतने सारे जन मेंढक रहते, उन्होंने कभी देखा नहीं, तुम्हारे बाप ने देख लिया। यही है, ये जो है ये कूप मंडूक, यही हमारा संसार, हमारे को इससे ऊपर कुछ नहीं। तो दूसरा एक मेंढक वहां पड़ा था, उस मेंढक ने कहा ऐसा करो मेरे को ले चलो, ये तो नहीं जा रहा, मेरे को ले चलो। वो कोई हमारे जैसा होएगा थोड़ा तो? बोले एक शर्त पे ले चलते हैं। वो दोनों हंस हंसिनी ने दोनों ने अपनी एक डंडी ली। बोले तुम तुम्हारे मुंह से ये डंडा पकड़ लो, फिर मैं तुमको ले जाता हूँ, और तुम ये करना जहां तक वहां सरोवर तक नहीं पहुंचे वहां तक अपना मुंह मत खोलना। लो भाई, उसने लिया और उसने मुंह से डंडी पकड़ ली। ऊपर जाकर के जो इतना बड़ा आकाश और इतना बड़ा कूप मंडूक से इतना बड़ा संसार देखा, तो ऐसे मुंह पर नीचे गिर गया। तो वो हाल हमारा होता है। हम जब किसी परमात्मा के सदगुरु ले जा करके हमको ले जाना चाहता है, हमारे विषयों से छुड़ाना चाहता है, हमें कहता है इससे दूसरा एक आनंद का समुद्र और है, तो थोड़ी देर जाते हैं महाराज सब छूट गया, पाछा गिर जा माँ आपा भी संसार समुद्र में गिर जाते हैं। और वहाँ गिरने के बाद हम किसी संत के साथ जाने की, भाई इतनी देर थोड़ी रिया करे, दो घंटा होगी तीन घंटा होगी, ये तो दिन दिन भर बैठा रहे बैठे दिन दिन भर बैठा रस्तो छूट जावे। एक आदमी बहुत स्वामी जी के सामने बनी घटना, एक बहुत बड़े सत्संगी थे और कितने 40 वर्ष सत्संग किया, तो बोले आप अपने पुत्र को नहीं लेके आते हो इतना सत्संग करने के लिए? बोले देखिए मैं तो बैराग हो गया, कोई तो चाहिए, ये भी बैरागी लेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, इसलिए कहाँ तक इधर सत्संग मिलाऊं। खैर इतना बताने के बाद अनन्य भक्ति के 6 साधन बताए, प्रार्थना सेवा पूजा स्तुति वंदन और स्मरण। व्यावहारिक काम करते हुए भी अगर हम ठाकुर जी का स्मरण करें तो प्रार्थना प्रातः काल करें, भगवान जीव से कहते हैं अपने रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूंगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन उनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन उनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमारग बढ़ाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों
के विष पे हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, सुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष पे हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण हे कृष्ण हे राधे 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 राधे। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे राधे 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 राधे। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। राधे 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 राधे। कीर्तन की महिमा कथा में बहुत होती है। दो कारण इसके कीर्तन में होते हैं। एक तो कीर्तन में परमात्मा से अपनी अंदर की लगन लग जाती है, नाम हो जाता है, और जो कथा में निद्रा देवी आती है वो थोड़ी सी भंग हो जाती है। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। राधे 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 राधे। कृष्ण हे कृष्ण हे स्तुति समाप्त करते हुए नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी कि आप ऐसा करिए कि मुझे दिए मुझे पिता को भी सदगति दीजिए, मेरे पिता की दुर्गति ना होने दीजिए। मेरे पिता हैं, तेरे पिता को शक्ति सदगति देने की मुझ में शक्ति नहीं है, तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही उन्हें सदगति मिल जाएगी। तेरे जैसा पुत्र तो 21 पीढ़ियों को तार देता है, क्या बात करते हो।
बात आगे चलने लगे, अपन आगे पहुंचते हैं आगे के अध्यायों में। नारद जी धर्मराज का संवाद होता है, धर्मराज सारे को कैसे गृहस्थ धर्म में रहते हैं वो बताने जाते हैं। सारे गृहस्थ धर्म में दया रहनी चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए, तपश्चर्या रहनी चाहिए, सहनशीलता सबसे पहले आनी चाहिए। एक दूसरे पति पत्नी को एक दूसरे से सहनशील रहें। मनुष्य को अपमान का दुख का बहुत ज़्यादा लगता है। अहिंसा रहे, ब्रह्मचर्य रहे, त्याग रहे, स्वाध्याय रहे, आर्जवम रहे, संतुष्टि रहे, समदृष्टि रहे। ये सब सुन करके अपन सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हमें नहीं है, इसलिए पढ़ लिया। साधु होना बहुत कठिन है। ये सारा मार्ग देने के बाद बोले गृहस्थाश्रमी को एक चीज कर लेनी चाहिए, ममता और आसक्ति पत्नी में और पति में। जो सबसे बड़ी ममता आसक्ति होती है वो नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए एक कहानी सुना देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अधिक कठोर होना चाहिए और न अधिक सरल, न कठिन और न सरल। बोले कैसे? बोले स्त्री से ममता न रखे। एक राजा था जो पशु पक्षी की वाणी जानता था, पशु पक्षी की बोली समझता था। राजा रानी भोजन कर रहे थे, एक चींटी ने आकर के भोजन का एक कण रानी के थाली में से राजा को रख दिया। तो वो चींटी थी वो हंस पड़ी, दूसरी चींटी से कहा यह अधर्म है, स्त्री का उच्छिष्ट पति को क्यों खाना चाहिए। इन दो चींटियों की बात सुन के राजा को हंसी आ गई, क्योंकि वो तो पशु पक्षी की भाषा जानते थे, उनको हंसी आ गई। तो रानी ने हंसते का कारण पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? लेकिन राजा को ये कहा हुआ था कि पशु पक्षी की भाषा तुम जानते हो, ये किसी को भी बता दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या करें, फंस गए। लेकिन उसने कहा मैं तो और कुछ सुनूंगी नहीं, मेरे को पहले बताइए आप हंसे क्यों। स्त्री हट बहुत तेज होता है, इसके बारे में तो त्रिया चरित्रम देवो ने जाना थी। उन्होंने कहा भाई मृत्यु क्यों नहीं, मेरे को आप बताना पड़ेगा। दोनों काशी की ओर चल निकले। अच्छा बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ। रास्ते में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरा से कह रही थी कि वो वहाँ पर जो कुआं है वो कुएं का पानी मुझे ला कर दो। तो कुएं का जो घास थी, कुएं के पास जो घास थी, तो बकरे ने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं अगर कुएं में गिर गया तो। बोले गिर गया तो गिर गया, मैं वहीं की नरम नरम घास खाऊंगी। बकरे ने तेवर बदल के कहा मैं क्या इस राजा जैसा मूर्ख लगता हूँ जो तुम्हारे कहने से मैं ला करके दूंगा, बिना कारण जान मैं नहीं देने वाला, तुझे खाना तो खा ले। राजा ने बकरे के ये शब्द सुने और उसी समय पत्नी का त्याग करके, मैं कितना मूर्ख हूँ, प्रभु भजन में मिला हुआ ये शरीर मैं पत्नी के हट के लिए लगा रहा हूँ। इस प्रकार से गृहस्थाश्रम को अपने घर में रहते हुए प्रभु की एक लगन लगी रहे और सबकी बातें सरल रहे, चित्त रहे, कामांध ना बने, तमोगुण के से ऊपर सतोगुण की तरह चले। नारद जी ने धर्मराज को उपदेश दिया। अब हम अष्टम स्कंध की ओर प्रवेश करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कथा में थोड़ा ऐसे थोड़ा विधान थोड़ा भजन थोड़ा ही तो होता ही रहता है। इसमें सबसे बड़ी बात है
प्रहलाद चरित्र पूर्ण विश्वासी आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन भक्त का पूर्ण रूपेण उदाहरण है। हमें इतना आत्मनिवेदन होगा तो हमें भी खंभे से ठाकुर दिखाई पड़ने लगेंगे। अब अष्टम स्कंद में प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बताया, दूसरे में ज्ञान का उपदेश दिया, तीसरे स्कंद में ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना यह बताया, चौथे स्कंद में चार पुरुषार्थों की और छठे स्कंद में पुष्टि की कथा बताई, सप्तम स्कंद में वासना की कथा सुनाई, सद्वासना हटा सद्वासना रखी, हिरण्यकश्यपु की असद्वासना को हटाया, वो जो कुछ मिला है वो मेरे लिए ही है ऐसा मानना असद्वासना है। क्या? जो कुछ मिला मेरे लिए है, मैं मेरा का नाम मानना असद्वासना है, और जो सब कुछ मिला है वो सबके लिए ऐसा मानना सद्वासना है, और जो बीच में थोड़ा ऐसे करना है वो मिश्र वासना है। भक्ति मार्ग में पहला संयम है, लेकिन सबसे पहली बार है कि हमको इसमें प्रवेश करना हो तो हमारे मन में व्याकुलता और आतुरता, भगवान सब सहन कर सकते हैं, आप कितनी भी भक्ति करिए, लेकिन जोर से सब ओर से दृष्टि हटा के एकमात्र प्रभु को पुकारें तो भगवान वहां नहीं रह सकता है। एक साधु था और एक साधु जब नीचे जाने लगा तो वहां धोबी उसको खूब बोलने लग गया। साधु कभी सहन शक्ति का बड़ा ही उदाहरण था, वो बार बार नहा के आता, ऊपर से धोबी उस पर थूक देता, चार बार छह बार आठ बार छह बार वो नहा के आया, उसने कहा भगवान तू कहाँ है, थोड़ी सी देर भगवान को याद लिया, ऊपर से लक्ष्मी जी बैठी थी, भगवान वहां से रवाना हुए, लक्ष्मी जी बोले क्या, बोले मेरे भक्त को कोई गाली दे रहा है, मैं भक्त को लेने जा रहा हूँ। जो ही भक्त की तरफ वो जाने लगा तो ही थोड़ी देर के अंदर वो साधु था उसको गुस्सा आ गया और उसने लिए तेवर बना के गाली देता है। इतने में भगवान वापस चले गए, लक्ष्मी जी बोले आप तो भक्त के लिए गए थे, बोले पहले भक्त और धोबी लड़ रहे थे, अब दो धोबी लड़ रहे हैं इसलिए मैं वापस आ गया। तो कहने का मतलब हम थोड़ी सी देर में घबरा जाते हैं, थोड़ी सी देर में सोचते हैं कि भगवान अब तक नहीं आए अब तक नहीं आए, लेकिन भगवान पूर्ण परीक्षा लेकर के आते हैं। इसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा को लेकर के है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अनासक्त होकर कर्म करो। तीसरे मनु हुए उत्तम, चौथे मन्वंतर में प्रभु के श्री हरि का जन्म हुआ। राजन त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था, वह अनेक हाथनियों का पति था, हाथनिया से और बच्चों से घिरा हुआ वह आनंद विहार करता था, बाद में बताएंगे इसका आशय। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय था और हाथी स्थलचर जलचर दोनों है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है, संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल ही मगर है। तीन लाइन में कथा हो गई। संसार से आसक्त विषयों के जीव को काल का भान नहीं रहता, जीव मात्र हम सब गजेंद्र है। आप क्या सोचते कि श्रीमद् भागवत में कहानी है, अपन सुनने आए हैं कहानी, हर कहानी हमसे खुद से संबंधित। हाथी अति कामी है, सिंह साल में एक बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, हाथी नित्य भोगा न भुक्ता भय में व भुक्ता, इंद्रियों में जब तक भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती, इंद्रियों को काम रस पिलाओगे वो शांत नहीं होगी, जीवन भर बढ़ते बढ़ते तृष्णा रोग से हम पीड़ित हो जाएंगे, भोग करता है। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव को पकड़ता है, हाथी का भी पांव पकड़ा गया, पांव पकड़ा गया मतलब सबसे पहले बुढ़ापे में पैर की गर्दन, पैर के घुटने दुखने लगते हैं, वहां से बुढ़ापा शुरू होता है, फिर गर्दन हाथ सब दुखने लगते हैं, यही काल का ग्राह पकड़ रहा है। दोनों जने जब हाथी वहां पर पांव रखा और ग्राह ने पकड़ा, अब किसका, जीवात्मा और काल का युद्ध चल रहा है, गज और ग्राह के रूप में। ये मत समझिए गज केवल हर रहा है, और हम गज के रूप में कैसे रहते हैं, इधर देखते हैं, मेरे माता पिता होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, मेरी पत्नी होगी, लेकिन जब सब हथिनी ने देखा
अंत काल तक सबने पकड़ पकड़ के खींचा, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। सोचा ये गजगिरा जो है वो हाथी को पकड़ के नीचे ले जाएगा, हम भी उनके साथ चले जाएंगे। सबने साथ, अंत काल में कोई काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि प्रभु के बिना चैन ना आए। ज्ञान हमेशा अंतकाल में जागृत होता है। अरे मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा ये तो मेरे काम आएगा, मेरे को लगा वो तो मेरे काम आएगा, मैंने जीवन भर उसके कितने रुपयों से सहायता की, उसने मेरा नहीं। नहीं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीव जब मृत्यु शैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत बिल्कुल ये ऐसा सोच लिया करिए कि गजेंद्र। तब गजेंद्र क्या कहता है, डॉक्टर भी जवाब देने लगते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ से काम होएगा। तब हम भागते हैं, मृत्युंजय का बाट बैठाते हैं और सबसे कहते हैं कि बोलो भाई अब भगवान को भजो। अरे पहले भज लेता तो ये काल क्यों आता। जीव गजेंद्र जब एकदम अकेला हो गया, सच पूछा जाए तो निर्बल के बलराम, जब आदमी असहाय हो जाता है ना तब जो पुकार यहाँ पर उठती है ना। एक बार जंगल में कहीं गाड़ी चलती चलती खराब हो गई थी, मेरी खुद की तो गाड़ी खराब हो गई। शाम पड़ रही थी, मेरे डर लगा अब ये गाड़ी में से क्या होएगा। मैं तो वहाँ से गाड़ी से उतरी, ड्राइवर बोला कि ये जो पहिया भी काम नहीं करेगा। मैं बोली आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, ड्राइवर क्या कर रहा है, संध्या हो रही क्या करेंगे। बोले दिखता नहीं है, मेरे को खुद को जाना पड़ेगा, हम दो लेडीज करें क्या। मैंने वहां से जो पुकार लगाई कि एक गाड़ी वहां से आई, हमने कहा जीवता रो जी जीवता रो, माने थे पुतार दिया मैं अटक जंगल में के करता। जब इंसान एकदम अकेला हो जाता है तब भगवान से पुकार लगाता है। ये जो पुकार होकर के गजेंद्र जब बहुत व्याकुल हो गया तब वह जोर से स्तुति करने लगा, जोर से पुकार करने लगा। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, पुकारो दिल से पुकारो। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, नीर पीवन हे तो गायो, नीर पीवन हे तो गायो, सिंधु के किनारे नीर पीवन हे तू गयो, सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्रा, सिंधु बीच बसत ग्रा, चरण गगे पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, चार पहर योद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार पहर योद्ध भयो ले गयो
धारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल शोर भयो करुण चढ़े पधारे द्वारिका में शोर भयो करुण चढ़े पधारे ग्राह को बैकुंठ भेज ग्राह को बैकुंठ भेज गजराज को उबारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ तो जीवन पारे जिस रूप में हो जहाँ हो तुरंत आइए ऐसी जब पुकार लगे श्याम मगन भय नंद के दुलारे सूर श्याम मगन भय नंद के दुलारे सूर श्याम मगन भय नंद के दुलारे मगन भय नंद के दुलारे तेरो मेरो न्याय होवे तेरो मेरो न्याय होवे धर्मराज के दुआरे हरि नाम को ऐसा रहा आए आधे नाम पूरा हरि भी नाम नहीं लिया गजेंद्र ने वहीं से सुदर्शन चक्र चलाया और वहीं से ग्राह का गर्दन छाट दी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ग्राहक के मुख से गजेंद्र रुका है, ये जीवात्मा को कहीं से काल के मुंह से रुक जाए तो उसे कैसा लगता है। हे नाथ मुझ पर कृपा करो, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करो। जो गजेंद्र मोक्ष ने जो स्तुति की है वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज भी हर जगह आर्द्र होकर के जो श्रीहरि से स्तुति की जाती है। मुझे तो दो चार श्लोक अभी पढ़ने थे, लेकिन बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, जब काल पकड़ता है तब भय से व्याकुल होता है। स्तुति का एक एक श्लोक दिव्य तेज से भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करें तो अंत काल में परमात्मा हमें लेने आए। जो व्यक्ति गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है उसकी बुद्धि अंत काल में निर्मल होती है। उसके बाद गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो एक फूल उठाया। देखिए ये भगवान नहीं चाहते हैं कि आप कितना करोड़ रुपया चढ़ाए, कितना रुपया चढ़ाए, कितना नहीं चढ़ाए, लेकिन एक सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। देखिए कमल नाम को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कमल अति भगवान को प्रिय है। पर आप देखते हैं चरण कमल, नाभि कमल, अंग कमल, मुख कमल, अंग कमल, हस्त कमल, सब चीज कमल ही कमल क्यों है? कमल क्यों प्रिय है? तुलसी जी भगवान को प्रिय और कमल बहुत प्रिय है। कमल ही एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में से उगता है, लेकिन जरा भी उसके ऊपर कीचड़ नहीं चढ़ता है। उस पर पानी की बूंद डालो तो वो भी नहीं ग्रहण करता है, वो भी बह जाती है। तो विषयों के बीच रहते हुए जो कमल की तरह रहता है वही प्रभु को प्रिय है। उन्होंने वहीं से कमल उठाया गजेंद्र ने और ऊपर चढ़ा दिया। जो सुदर्शन चक्र से मगरवच्छ का वध किया, ये सुदर्शन चक्र ज्ञान चक्र है। ये ज्ञान चक्र से मगरमच्छ का नाश हुआ। हमारी दृष्टि में सुदर्शन तभी हो गया, सुदर्शन चक्र तभी चलेगा जब हम भी कमल की तरह इस विषय संसार में रहते हुए भी अनटच्ड रहे, अस्पर्शित। अब इतने आगे चले, गजेंद्र ने बहुत भक्ति की, भगवान ने गजुद्र को सारूप्य भक्ति दी। उसके बाद छठे अर्थात मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवों को पिलाया। परीक्षित राजा ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया, हमको तो पता नहीं। खच्चप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया, उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया, इस समुद्र मंथन की कथा मुझे सुनाइए। इंद्र संपत्ति के कारण उसका विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी। कौन सी माला? जो दुर्वासा जी ने उनको दी थी। सद्भाव पूर्वक कोई आपको देवे तो उसको फेंक नहीं देने का। बीच में एक बात याद आ गई, फिर कोई गुरु संत आपको कुछ देवे तो उसका थोड़ा सम्मान करना चाहिए। एक बार सुना है मैंने, पूरा तो नहीं मालूम, कहीं गलती हो तो माफ करें। एक दान रैदास जी जूता की सेवा करते थे, जूता चमार थे, जूते को पानी लगाते ना, वो पानी में भिजो भिजो के, लेकिन हरि नाम इतने लेते। रैदास जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े भक्त थे, खुद मीरा ने उनको अपना गुरु माना है। तो एक सेठ के यहाँ पे बहुत कष्ट आया, बहुत चीज हुआ और ऐसा लगा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। बोले रैदास जी के पास जाओ, रैदास जी कुछ ना कुछ तुम्हारा इलाज करेंगे। हम लोग संत के पास जल्दी से अपने कोई कष्ट आता है निवारण के लिए पट्ट पहुँच जाते हैं कि संत हमारे कष्ट का निवारण कर देंगे। हमारे लिए संत किस लिए है? कष्ट निवारणार्थम भोग्यम नहीं, हमको ज्ञानार्थम नहीं, कष्ट निवारणार्थम भागे। हम सब चाहते हैं, हम सब एक ही चीज के हैं। तो पहुंचा वो, बोले मेरे यहाँ पे मेरा पुत्र बीमार है, मेरी को इतनी तकलीफ है, मेरे जहाँ संपत्ति सारी नष्ट हो रही है, रैदास जी मेरे पर कृपा करें। खूब जोर जोर से रोने लगा। रैदास जी बोले वो हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रभु की इच्छा। देखो भगवान की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे संत लोग हमेशा मुझे जवाब दे देते हैं, अब प्रभु की इच्छा। फिर भी बहुत बहुत कहा तो उसने कहा चल जाओ ये पानी ले जाके पिला दो, बेटा बीमार है। तो वो जो वहाँ चमड़े का पानी था वही एक कटोरी में गिलास में देकर उसको पिला दे दिया।
अब वो सेठ जी माँ के ज्ञान का हुआ तो करा, देखा वो चमड़ा को पानी, अरे कोई चरणामृत देते, कोई और गंगा जल देते, कोई जमुना जल देते, चमड़े का पानी दे दिया। वो जाते जाते एकदम मुंह सिकोड़ा, इतना बास आ रहा है, चमड़े की बास दुर्गंध आ रही है, ये जल मैं कैसे पिलाऊं। उसने क्या किया, जाते जाते वहाँ पे कमाली थी, कबीर की जो कमाली थी वो वहाँ पर थी। वो कमाली को उसने कहा मैं ये कैसे पीऊँ। उसने कहा कमाली तू ये पी ले, मैं तो जाता हूँ, ये उन्होंने मेरे को कुछ दिया नहीं है, उठा के चमड़े का पानी दे दिया। वो तो पी गई और उसी समय पी गई सो पी गई, वो तो उस त्रिलोकी के दर्शन कर गई। इधर से वो जो गया और कुछ नहीं दिया, बोले तुम नहीं लाए संत के पास, बोले उन्होंने मेरे को कोई पानी दिया था, चमड़े का पानी मैं नहीं लेके आया, और मैंने वो चमड़े का पानी कमाली को वहाँ दे के आ गया, मैं कैसे इसको पिलाता, उसके इन्फेक्शन हो जाता। आजकल किसी को कोई कहते ना कि चरणामृत इन्फेक्शन हो जाएगा, भले इंजेक्शन में कुछ भी जाए पर कोई का दिया हुआ गंगा जल या कोई पर इन्फेक्शन हो जाएगा। उसका इंजेक्शन का इन्फेक्शन नहीं होता पर हमारे जल का इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो इन्फेक्टेड चमार का जो वो रैदास जी का जल था वो नहीं लेके गया, बोले अरे तूने तो कमाल कर दिया, अगर वो जल पिला देता तो तेरा बेटा ठीक हो जाता। बोले अरे अब मैं क्या करूँ, वापस दौड़ा दौड़ा गया और रैदास जी से कहने लगा, बोले मुझे वो जल दीजिए। बोले दिया था ना, तो दो मिनट में हंसने लगे, बोले पिया पिया सो पिया वो पानी मुल्तान गया, पिया पिया सो पी गया वो पानी मुल्तान गया। वो उसको वहाँ से जो कमाली थी उसने वो पानी पी करके मुल्तान शहर में उसका ब्याह हो गया और चली गई। बोले पिया पिया सो पी गया वो पानी मुल्तान गया, अब कोई बार बार थोड़ी वो पानी हाथ आता है। इसलिए मेरी आपसे करजोड़ प्रार्थना है कि जब कभी कोई संत आपको कृपा करके कुछ दे तो उसके ऊपर जरा ध्यान दिया करे। कई लोगों को मैंने देखा, ये चीज कहाँ से लाए, वो फला संत दिए थे, वो कहाँ से लाए फला संत दिए थे, अरे उन्हें जागृत करो ना, संत दिए थे तो कुछ बात सोच के दिए होंगे। लेकिन नहीं, ऐसे ही परीक्षित राजा ने कहा कि समुद्र मंथन कैसे हुआ, स्वर्ग का तो दुर्वासा जी ने उनको जो माला दी थी उसका इंद्र अपने घमंड में छोड़ दिया, माला वहीं तू ले ले और पीस दिया, और दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा तू दरिद्र होगा, दरिद्र होने से स्वर्गों का राज दैत्यों को मिल गया। और देवताओं का तो आपको सबको पता ही है, जब कोई तकलीफ आए तब क्या, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, कहाँ भागते हैं, विष्णु के पास, दैत्यों को और कोई काम नहीं, जय जय सूर्यनायक दिन भर चले। बोले कैसे करें, बोले ऐसा करो तुम लोग समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा तो तुम ले लेना। बोले समुद्र मंथन इतना कहीं दैत्य के हाथ में है, अरे देवता का हाथ में है, दैत्य तो बड़ा बलवान हुआ है। बोले चलो, तो बोले कैसे करें, दैत्य हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे, क्यों समुद्र मंथन करेंगे। बोले एक बहुत बढ़िया दवाई है। बोले क्या दवाई है, बोले दैत्यों की प्रशंसा करो, जिसकी भी प्रशंसा करोगे वो तुम्हारी तरफ आ जाएगा, तुम बहुत ही अच्छे हो, हमको बहुत अच्छे लगते हो, अच्छा और बैठ जाता हूँ जाने को। दैत्यों की उन्होंने प्रशंसा करी, देव और दैत्यों ने अमृत प्राप्ति के लिए अमृत समुद्र मंथन शुरू किया। संसार ही समुद्र है, आशय तक चलते हैं उसके बाद तेरा चीज निकालते हैं, अपने जीवन का मंथन करने के लिए हम हैं। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करें, समुद्र मंथन नहीं है ये जीवन का मंथन है। जीवन संसार से जितनी समुद्र से चीजें आती है उतना ज्ञान और भक्ति रूपी का अमृत लेना है। जीवन का मंथन करके कौन सा अमृत लेना है, ज्ञान और भक्ति रूप। जब ज्ञान और भक्ति रूप मंथन करके हमको अमृत मिल जाएगा तो ये जीव अमर हो जाएगा। मन अब क्या करें, मंदराचल पर्वत बना, मंदराचल पर्वत किसको बनाए भाई, दैत्य और देव, हमारी ही कुप्रवृत्ति और सत्प्रवृत्ति का नाम है देवता और दैत्य। मंदराचल पर्वत नाम है हमारा मन, क्या हमारे मन का मंथन करना है, मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करें। और कौन सा वासुकी नाग लगाएं, ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए, ज्ञान और भक्ति के रूपी अमृत को प्रकट करने के लिए वासुकी नाग क्या लगाएं, प्रेम की डोर झीणी झीणी, प्रेम की डोरी, प्रेम की डोर से अपने मन का मंथन करें। और सत प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति रूपी दैत्य और देवताओं ने मिलकर के जब
मन का मंथन करने लगे। 16वें वर्षों से मनोमंथन शुरू हो जाता है और जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा, मन भी अपना डूबने लगा, तो भगवान ने कुर्मा अवतार अपनी पीठ पे धारण, बोलो कुर्मा अवतार भगवान, वो कुर्मा अवतार लेकर के अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। तो वो कुर्मा अवतार कहां से लाएंगे अपने मन के लिए? ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी की निष्ठा, ठाकुर जी इष्ट, अगर हम उनकी नाम, उनके रूप, उनके स्वरूप में अपना मन को स्थिर कर लेंगे तो मनोमंथन दैत्य और दुष्प्रवृत्ति और कुत प्रवृत्ति से मनोमंथन करते हुए अमृत जरूर निकलेगा। ये समुद्र में से प्रथम विष निकला, अब मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, मन से विष निकला। विष निकलते ही उसको कहा क्या करें, विष तो कोई नहीं पीने वाला है। हम लोग भी जब अमृत मंथन करते हैं, हम हमारा मनोमंथन करते हैं तो सबसे पहले विष आता है। विष मतलब विषय, विष मतलब जो विषय हम ले और उसका अंत जहर। विषय हमेशा हमें जहर ही देता है, दुखी देता है, क्लेशी देता है, तापी देता है। तो मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाएं। बोले कोई विष नहीं ले सकता। दैत्यों की तरफ देखा, अहं, देवताओं की तरफ देखा, अहं, बोले लेगा कौन? भगवान ने उसी समय शिव जी को याद किया, जो जय जय शिव शंकर जो विष लेते हैं, उन्होंने उसी समय विष का पान किया। और विष का पान कैसे किया? न नीचे उतरने दिया और न बाहर उतरने दिया, नीलकंठ। कभी किसी के द्वेष से विष निकले, उस विष को अपने पेट में भी अंदर, मतलब पेट में ना रखने का तात्पर्य है कि पास्ट में जमा करके मत रखो कि कल उसने 10 बरस पहले मुझे गाली दी थी। ये विष अंदर उतारने का है, और न बाहर जोर से गाली दो कि जिससे विष बाहर निकल जाए, उसे यही जमा करके रखो। इस प्रकार का विष उसको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले। हमारे सबके अंदर पहले समुद्र मंथन से पहले विषय रूपी विष निकलता है, और वो विष निकलता कैसे है? बाहर निकलता है तो निंदा और कर्कश वाणी के रूप में निकलता है, भीतर जाता है तो द्वेष के रूप में अंदर जमा हो जाता है। 20 बरस बाद भी ओ है के, मैंने 20 बरस पहले इसी गाड़ी दी को तो भगवान भलो मत कर चो। ये विष अंदर रहता है, इस विष को पचाने के लिए उन्होंने शंकर जी को याद किया कि सिर्फ नीलकंठ भगवान में इतनी ताकत है कि वो विष को पचा सकते हैं। और विष को पचाने के लिए वह शिव जी क्यों? क्योंकि उनके सिर पर गंगा जी निकलती है। जिसके सिर में ज्ञान की गंगा है वो विष पचा सकता है, इसलिए ज्ञान की गंगा से विष को पचाएं। कोई कहता है हमारी निंदा हमको सहन नहीं होती है, सहन शक्ति करते ही, बताया था ना आपको, सहन शक्ति करते ही भगवान आ जाते हैं कि मेरा भक्त सहन कर रहा है। हम सहन करते नहीं, इसलिए भगवान ऊपर आराम करते हैं जल में। चलो शिव जी का स्मरण किया, कटु शब्द न किसी को सुनाए और न किसी से सुने, उसको अंदर पचा लें। 16वें वर्ष से जो जीवन मंथन शुरू होता है ना, वो मन में वासना का विष डाल देता है। वहां से जो किसी के पास, मैंने कई लोगों को देखे बहुत कम बोलते हैं, तो मैं देखते हैं अरे कितने अच्छे हैं लोग, बहुत कम बोलते हैं और अंदर अंदर बहुत बोलते हैं। ऐसी आंखें आंखें करते हैं, मेरे को सब दिखाई पड़ जाता है, अरे वो तो कुछ नहीं बोलता, अरे वो आंखें आंखें मैं सब बोल गयो। यहां लोग है कि काहे बोल रहे हो,
अरे एक अच्छा को चार भावा से लेते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि वाणी पे ध्यान रखिए, शब्दों पे ध्यान रखिए। मैंने कहा अरे शब्दों में नहीं, उनके भावों और अर्थों पे ध्यान रखिए। मैं एक ही शब्द बोलूंगी और वो शब्द के कितने अलग अर्थ होंगे। देखिए मैं चार शब्द बोलती हूँ, आप चार अर्थ समझे। अच्छा 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 अच्छा, कितने रकम के इसके अर्थ निकल गए। मैंने तो शब्द देख ही कहा अच्छा, आपने इतने अर्थ क्यों निकाले। अच्छा देख लूंगी, अब देखिए दूसरे के क्या होगा। तो ये जो शब्दों पे मेरा कोई समझता ही नहीं है, मैं उसको कहती हूँ अरे शब्दों पे नहीं, भावों पे जाओ कि वो किस अर्थ में कह रहा है। कोई आदमी तुम्हें प्रेम से दुष्ट कह रहा है तो उसे गाली मत समझो, तुम्हें प्रेम से उलाहना दे रहा है। आजकल के बच्चों को जरा से कह, कितने दिन हो गए तुम दिखी ही नहीं, अल्लाह हमें तो उलाहना दे दिया। ले उलाहना नहीं है ये, प्रेम भरा, प्रेम भरा उलाहना। तो अभी आप कल परसों सुनेंगे कि पूरा भ्रमर गीत उलाहने से भरा हुआ है। जिसकी दो आत्माएं प्रेम करती है वो उलाहना पहले करता है। कृष्ण के जन्म के बाद कल से तो यही कहेंगे, रूठा राठी हुआ करेगी, श्री जी मान करेंगी, ठाकुर जी मनाएंगे। ये मान मनावन की लीला प्रेम की लीला है। पर आजकल प्रेम किसको समझता है, हम तो अभिमान करेंगे। विष के बाद दूसरा प्रकट हुआ, मंथन करते करते दूसरी कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु गो माता को ऋषि ऋषियों को दे दी गई, क्योंकि तो ऋषि हमेशा परोपकार करते हैं। कामधेनु संतोष का प्रकृति है, वो किसी से कुछ मांगती नहीं, उससे जो मांगो वो ले लेती है। उसके बाद उच्च सवा घोड़ा आया। अब देवताओं ने कहा से माता न्यारा न्यारा ले गया, माने तो कुछ दिया ही को नहीं। ले पहली घोड़ा आया तो उच्च सवा घोड़ा किसने ले लिया, दैत्यों ने ले लिया। देखो क्या करें, अर्थ बहुत लोगों का सुना हुआ है ना, इसलिए आ जाते हैं कभी अतुल कृष्ण जी का, कभी किसका आ जाता है। सब संत महात्माओं ने बहुत दीक्षित किया है। उच्च स्रवा घोड़ा कीर्ति का निशानी है, और सब पहले जब भक्ति की ओर जाते हैं ना, सबसे पहले कीर्ति होती है। कीर्ति बड़ी प्यारी होती है। वो कीर्ति का जो स्तंभ था उस उच्च स्रवा घोड़ा को दैत्यों ने ले लिया। उसके बाद निकला ऐरावत हाथी। अब देवता का मैं क्यों कम, पहले तो दे दिया दैत्य ने ले लिया, अब हमारी बारी। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। कीर्ति और प्रसिद्धि में जो फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। तो कीर्ति और प्रसिद्धि में कौन फंसे, हम लेंगे, हम बलवान हैं। ये दैत्य स्थूल दृष्टि देह दृष्टि होती, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि होती है। ऐरावत हाथी को भी इंद्र ने ले लिया। देवता मनुष्य की तरह नहीं है, पुण्य तो श्लोक रहते हैं, लेकिन उनको जरा जरा सी बात में भगवान का सहारा लेना पड़ता है, उनके पास पुकार करने के लिए जाते हैं। उसके बाद अप्सरा निकली। अप्सरा दैत्यों ने देवों से कहा अब इसके बाद जो निकलेगा वो हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई। अब देखो लक्ष्मी जी कौन लेगा, सब तैयार बैठे, आओ जी जय लक्ष्मी देव। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई गावे, सुख संपद साधन संपत्ति पावे। लेकिन लक्ष्मी जी किसी के पास नहीं गई, हर जना बैठा रहा कि हमारे वरमाला डाल देगी। लक्ष्मी जी ने किसके वरमाला डाली, जो सर्वगुण संपन्न साधु पुरुष सत्पुरुष देवताओं के देव जो सब कुछ थे, उनके भी श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी वहां विराजमान थे। तो विष्णु के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। मैं वरमाला किसको पहनाऊं, ये ऋषि हैं ये कोप कर देते हैं, ये सब में मतलब जल्दी से। अब उसके पीछे जब जाने लगे तो बोले मुनि ने कहा कि हम भी बहुत अच्छे हैं। बोले आपको तो मिनट मिनट में क्रोध आ जाता है, क्या करेंगे आपके पास आके, आगे चले। तुकाराम महाराज के साथ भी ऐसी घटना हुई थी। वो जब बहुत पूजा करते थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो तुकाराम महाराज बहुत करते थे कि किसी तरह हो जाए। तो जब वो ठाकुर जी के पीछे पड़ गए तब शिव जी ने उनको सोने का थाल भेजा। बोले जब मैं चाहता था तब तुम दिया नहीं, अब मुझे इससे ऊपर की चीज मिल गई, अब मैं क्या करूंगा। नारायण विद्वान थे, नारायण आए। इसके बाद हुआ मदिरा आई। मदिरा तो ठीक ही है, दैत्यों ने कहा लक्ष्मी जी भी कोई और ले गया, वह भी कोई ले गया, सब ले गया, मदिरा ही मदिरा रहेगी।
पहले हम लेंगे। मदिरा दैत्यों की वस्तु है, मदिरा मिल गए, पियो पियो बस पियो, अब शक्ति नहीं। मंथन आगे चला तो धन्वंतरी जी अमृत कुंभ लेके बैठे। देखो कितनी चीज बात है, मदिरा पहले दैत्यों को दे दी, अब दैत्य थोड़ा तो पी लिए, फिर उसके बाद धन्वंतरी जी अमृत कुंभ लेके आए, तो इतने में भगवान सोचे, देवता सोचे कि ये तो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली छीन लेंगे। भगवान ने कहा ये वो देवगण उठे और इधर दैत्यों ने घड़ा छीन लिया। दैत्यों ने, दैत्य ज्यादा बलशाली थे ही, घड़ा छीन लिया, घड़ा छीन लिया, अब आगे को चले। भगवान ने कहा यहाँ शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना पड़ेगा। भगवान ने तुरंत युक्ति लगाई, क्योंकि फिर जय जय सुरनायक, दैत्यों के देवताओं के पास कुछ है नहीं, जय जय सुरनायक। जब मैं भी अब आजकल कुछ होता है जय जय सुरनायक, हर समय भगवान के पास पहुंच गए। दैत्यों की भांति जिसके घर में गृह क्लेश होता है,